हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। एलजेब्रा की फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस की हम कर रहे थे। लास्ट एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल हमने कवर किए थे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब हम एग्जांपल में, वैसे तो पूरे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं आपके। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, देन हम कहते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको ए मान लीजिए। ए मैट्रिक्स गिवन आपके पास, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या बताया था? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे हर एक, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जैसे फर्स्ट पार्ट ए का ट्रांसपोज करते हो तो फर्स्ट रो इज अ फर्स्ट कॉलम, 2, 3, 4, सेकेंड रो 3, 5, 6 एंड थर्ड इज 4, 6, 8। वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है ए, तो ए डैश इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम टू सेम आपको इस मैट्रिक्स को शो करना है। बी मैट्रिक्स अज्यूम कर लीजिए, इसको बी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करना है। देन आप इसका बी स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? If B transpose is equal to minus B के इक्वल आ जाता है, then we call B is symmetric, skew symmetric matrix। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, B dash फाइंड आउट करेंगे। B dash this is equal to first row is a first column 0, 6, 8, second row is a second column 0 एंड माइनस 5, थर्ड रो इज अ थर्ड कॉलम -8, 5, 0। ऑल जो आपके पास हर एक एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन लेंगे, मैट्रिक्स में कोई भी अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस प्लस या एनी कॉन्स्टेंट, तो हर एक नंबर में से कॉमन आता है। ठीक है, जीरो का माइनस जीरो ही रहेगा, दिस इज प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस का हो जाएगा 0, एंड दिस इज -5, -8, -5 एंड 0। ओके, ये आपके पास वापस से बी मैट्रिक्स आ गया, दिस इज इक्वल टू -b। तो हमने किया बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया -b के, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे भी हमने रिजल्ट बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट जो है वो ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू -aji के इक्वल होता है। a12 इज इक्वल टू -a21, a13 इज इक्वल टू -a31। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? ए आई इज इक्वल टू ए जे आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इफ ए इज अ सिमेट्रिक शो दैट के इनटू ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। अगर आपके पास ए सिमेट्रिक गिवन है, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, आपको के इंटू ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है, दैट मीन्स हम इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। और हम इसके प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, के इंटू ए डैश आ जाता है अगर हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ एंड ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है? ए के इक्वल गिवन है। तो के ए का ट्रांसपोज दिया, के इंटू ए ही आ गया, तो इसका मतलब के ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन के ए इज सिमेट्रिक। अगर ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और आपको फाइंड आउट करना है के इंटू ए, इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू के इंटू ए डैश, और ए डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, माइनस के इंटू ए आ जाएगा। तो हमने के इंटू ए का ट्रांसपोज लिया, माइनस ऑफ के ए आ गया, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड, इफ ए बी आर सिमेट्रिक, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सेम टू सेम ऐसा ही करना है। थर्ड पार्ट, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए होगा एंड बी डैश इक्वल टू बी, ये आपको गिवन है। प्रूव करना है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, दैट मीन्स हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेके चलेंगे, ओपन करेंगे ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू ए डैश की वैल्यू यहाँ पे ए रखेंगे, बी डैश की बी। ठीक है, फ्रॉम दिस ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, ए प्लस बी आ गया, दैट मीन्स ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ए और भी स्क्यू सिमेट्रिक दे रखे हैं, ए प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, सेम टू सेम आ जाएगा, ए डैश माइनस ए हो जाएगा, बी डैश माइनस बी, यहाँ पे ओपन करेंगे, इनकी वैल्यू माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस ए प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, तो इस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ए डैश अगर माइनस ए आ जाता है तो ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। लास्ट इज इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव ए ए डैश एंड ए डैश ए आर बोथ सिमेट्रिक। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो ए ए डैश को आपको प्रूव करना है कि हमारी सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेके चलेंगे, ठीक है। फोर्स का रिजल्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो प्रॉपर्टी होती है कि हम लास्ट से शोर करते हैं ए डैश ए इंटू पहले इसका ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होता है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स आ जाता है, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है मैट्रिक्स की इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से देखो ए ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया और यही मैट्रिक्स आ जाती है, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम टू सेम आप ए डैश ए को शो कर सकते हो, ए डैश ए ट्रांसपोज ओपन करेंगे, ए डैश इंटू ए डैश डैश ए डैश इंटू ए आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी फिर से वन अप्लाई कर देंगे तो ए डैश ए का ट्रांसपोज लिया वही आ गया, दैन दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन थर्ड, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस शो दैट ए प्लस बी एंड ए बी प्लस बी ए और ए बी माइनस बी ए, ये आपको सिमेट्रिक प्रूव करनी है, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। हमें गिवन है यहाँ पे ए बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा एंड बी डैश इक्वल टू बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स हम इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे और यही मैट्रिक्स शो कर देंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो अगर दो टर्म प्लस की होती है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए, इसका ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या अप्लाई की हमने, ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये होता है, हमने अलग अलग कर लिया। देन ए इंटू बी डैश, दिस इज बी डैश ए डैश प्लस ए डैश इंटू बी डैश, वो अपोजिट ओपन करते हैं, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, इसमें आपके पास पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है एंड ए डैश यहाँ से ए और बी डैश इज बी। अब देखिए ए बी इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, ए बी प्लस बी है, ए बी को मैंने यहाँ आगे लिख लिया, दिस इज बी ए, तो हमने इसका ट्रांसपोज दिया यही शो कर दिया, दैट मीन्स ए बी प्लस बी ए implies that AB plus BA is symmetric matrix, ठीक है। AB minus BA को skew symmetric prove करना है तो AB minus BA का open करेंगे हम transpose, AB transpose minus BA transpose, this is B transpose A transpose minus A transpose B transpose from first equation। यहाँ पर आपको लिखना है ये जो result आया है from इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज बी ए माइनस ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा, यही आपके पास शो करना था, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए इसके नेगेटिव के इक्वल आया है तो आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन फोर देखिए, प्रूव दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स आपके पास अगर ए सिमेट्रिक गिवन है तो प्रूव करना है यहाँ पे, अगर ये चीज गिवन है तो आपको प्रूव करना है बी डैश ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर ए सिमेट्रिक गिवन है तो ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा, आपको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी डैश ए बी इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे, ओपन करेंगे
लास्ट से शुरू करते हैं, बी डैश फिर ए डैश इंटू बी डैश का डैश, दिस इज बी डैश, ए डैश बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ऑल्सो बी, बी डैश की यहाँ पे आपके पास ए डैश की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बी डैश इंटू ए डैश आ जाएगा ए, ये हमें गिवन है, ए डैश इज इक्वल टू ए गिवन है, तो बी डैश इंटू ए बी का ट्रांसपोज लिया, यही मैट्रिक्स आ गई, दैट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम टू सेम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कर सकते हो, अगर ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज ए डैश इक्वल टू माइनस ए, और अब हमें शो करना है बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक, दैट मीन्स हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, सेम टू सेम ओपन करेंगे, ए डैश बी डैश का डैश, बी डैश ए डैश की वैल्यू रखेंगे यहाँ से माइनस ए इंटू बी डैश का बी डैश का डैश बी आ जाएगा, माइनस बी डैश ए बी, ठीक है, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया, इसके माइनस के इक्वल आ गया, दैट मीन्स दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। फिफ्थ, इफ़ ए एंड बी आर एन रॉड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली ए बी कम्यूट करेंगे, ठीक है, ए और बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ए एंड बी सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा एंड बी डैश इक्वल टू बी हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी अगर सिमेट्रिक है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, ये चीज़ प्रूव करनी है, कम्यूट का मतलब ए बी इक्वल टू बी आ जाए, अगर ए बी सिमेट्रिक गिवन है तो आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है, कंडीशन गिवन है तो ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि हमारे पास ए बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये गिवन है, और हम प्रूव करेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, अगर ए बी सिमेट्रिक है देन ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी इटसेल्फ के इक्वल होगा, अगर सिमेट्रिक है तो ओपन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए बी, और बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल, तो बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी, यहाँ ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, कंडीशन हो गई प्रूव हमारी, ये हमें प्रूव करना था, ओके, अब रिवर्स प्रूव करते हैं, गिवन होगा आपको यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ये कम्यूट कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है ए बी सिमेट्रिक होगा, तो हम लेके चलते हैं ए बी डैश, ओपन करेंगे बी डैश ए डैश, बी बी के इक्वल, बी डैश बी के इक्वल और ए डैश ए के इक्वल, बी ए, और बी ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो, ये हमें गिवन है, ठीक है, कन्वर्स पार्ट में, तो ए बी ए की वैल्यू दे रखी है ए बी, इसकी जगह पुट कर देंगे ए बी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ से हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया, ए बी के इक्वल निकाल दिया, दैट मीन्स ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन सिक्स, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहता है ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स क्या होता है भाई, नॉन सिंगुलर का डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, अगर हमारे पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, आपको प्रूव करना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉन सिंगुलर देने का मीनिंग यही होता है कि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो हमारा ये डिफाइन ही नहीं होगा इनवर्स, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर ले आओ इनटू ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इंटू ए इनवर्स का, इनवर्स नहीं ट्रांसपोज अप्लाई करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज चलता रहेगा यहाँ पे, अच्छा जी,
यहाँ से ए ट्रांसपोज, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे आप अंदर ला सकते हो इसको, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डैश ट्रांसपोज, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज को मैंने पहले ट्रांसपोज लिख दिया फिर इनवर्स लिख दिया, इक्वल टू इधर एज इट इज चलता रहेगा। देन ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए डैश की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए रख देंगे, क्योंकि हमें सिमेट्रिक दे रखा है, ए डैश की जगह पे हमने ए रखा तो ये बच गया मेरे पास ए इनवर्स। समझ में आया, यहीं पे कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज हमने ए रख दिया है वैल्यू यहाँ से उठा के, और इधर चल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब मोड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये रहा किसकी, इसकी वैल्यू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इक्वल, राइट हैंड साइड पे चल रहा है इसका ट्रांसपोज, ये हमारे पास ट्रांसपोज चल रहा था, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये रिजल्ट हमने यूज़ किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए इनवर्स की वैल्यू हमने ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस, हमने इस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लिया, इसी के इक्वल शो कर दिया, इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक। ओके, क्वेश्चन सेवेंथ, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स दे रखी है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम है, तो एक पार्ट देखिए हमने कैसे किया था, ये सेम टू सेम एग्जांपल कर चुके हैं हम। ठीक है, ए को हम लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। एग्जाम्पल में हमने थ्योरम्स प्रूव की थी ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यहाँ से आप ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ से 1, 3, 5 माइनस 6, 8, 3 माइनस 4, 6 एंड 5। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ए डैश है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमने पी लिया था और ये क्यू लिया था। ठीक है, तो पी की वैल्यू निकालोगे तो पी क्या आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस ए डैश और 2 से डिवाइड करना है तो 1/2, या 2 से बाद में डिवाइड कर लेना, पहले ये निकाल लो ए प्लस ए डैश फाइंड आउट कर लो। ए मैट्रिक्स इज 1, 3, 5 माइनस 6, 8, 3 माइनस 4, 6 एंड 5, ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस ए डैश, ए डैश करेंगे 1 माइनस 6 माइनस 4 3, 8, 6 एंड 5, 3, 5। 1/2 से बाद में डिवाइड करेंगे, पहले इनको ऐड कर लो, 1, 1, 2, 6 माइनस 3 माइनस 6 इज माइनस 3, 5 माइनस 4 इज 1, माइनस 6 एंड 3 माइनस 3, 8 प्लस 8 इज 16, 3 प्लस 9 और 1 माइनस 4 एंड 5 1, 6 और 3 9 और 5 और 5 10। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 2 को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3/2 1/2 दिस इज माइनस 3/2 8 9/2 एंड 1/2 9/2 एंड 5। ठीक है, तो ये पोर्शन आ गया हमारा, यानी पी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, तो पी हमने यहाँ पे निकाल लिया, सेम टू सेम क्यों निकालेंगे, ए में से ए डैश माइनस कर देंगे। ठीक है, लास्ट में जब आप लिखते हो तो ए इक्वल टू पी की वैल्यू, यानी ये मैट्रिक्स यहाँ पे एज इट इज इसकी जगह रख देनी है, इसकी वैल्यू आएगी वो रख देनी है, बीच में प्लस करना नहीं है, अप्लाई नहीं करना, प्लस लिख के छोड़ देना है पी की वैल्यू एंड क्यू की वैल्यू, तो ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये निकल के आएगी स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश करेगी। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन 8, शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका मेन डायगोनल ये आपके पास 0 होता है। चलिए, ए आपके पास क्या गिवन है,
स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए आई जे इक्वल टू होगा माइनस ए जे आई के। आई रो को रिप्रेजेंट करते हैं, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोर डायगोनल एलिमेंट्स, अगर हम डायगोनल नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आई इक्वल टू जे हो जाता है। कैसे, जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, डायगोनल नंबर ये हुआ, ये हुआ, ऐसे ही आ जाएगा ए थ्री थ्री। यहाँ पे टू और टू सेम, आई की वैल्यू भी वन, जे की वैल्यू भी वन, सेम टू सेम टू एंड टू, थ्री एंड थ्री। ये हम पीछे करवा भी चुके हैं जब हमने एग्जांपल्स किए थे, तो ये थ्योरम कवर की थी। तो आई इक्वल टू जे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको इधर ले आएंगे तो टू ए आई आई इक्वल टू ज़ीरो, ए आई आई इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई, यानी आई जो आपके पास ऑर्डर जितना भी मैट्रिक्स का होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ए आई आई हमारे पास जीरो आ जाएगा, यानी ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। क्वेश्चन नाइन्थ, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, इम्पोर्टेंट है। कहता है ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये बताना है कि अगर मैं इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब मान लिया मैंने ए की पावर एन ले ली यहाँ पे, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर अप टू सॉन, ठीक है। तो अगर ए एन आपके पास, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो आपको प्रूव करना है ए की पावर एन is also symmetric matrix, where condition क्या given है, n belongs to z plus, ठीक है। हमें इसको symmetric prove करना है a की power n को, तो a की power n transpose ले लेते हैं, ठीक है। अगर a आपके पास symmetric matrix है, that is a dash equal to a आ जाएगा, this is the first equation ले लेते हैं, a dash a की power n dash, इसको हम लिख सकते हैं a dash into n, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, दिस इज इक्वल टू ए डैश, हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ए की पावर एन, क्योंकि हमारे पास ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर है, सॉरी एन जो आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ए की पावर एन ही आ जाएगा। ये प्रॉप ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, हमने ए डैश को ए पुट कर दिया, तो ए एन का हमने ट्रांसपोज लिया और ए एन के इक्वल ही शो कर दिया ए की पावर एन के, तो ए की पावर एन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज शो दैट ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपके पास ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए की पावर अगर मैं एन लेती हूँ वो भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ एन कैसा होना चाहिए, एन इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, क्लियर हुआ। ए की पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि ए की पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक होगी, लेकिन कब होगी, जब एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो ए की पावर एन का हम ट्रांसपोज लेके चलते हैं, ए की पावर एन इसका ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए डैश इंटू एन, और ए डैश की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी माइनस ए, माइनस ए की पावर एन। अब एन की जो माइनस में जो एन की पावर है, तो माइनस की वन की पावर जाएगी यहाँ से, इसको मैंने लिख दिया माइनस वन की पावर एन इंटू ए की पावर एन, ठीक है। अब माइनस वन की पावर एन ये क्या बना, एन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, और माइनस वन की पावर अगर मैं ओड लेती हूँ तो क्या आएगा, वो नेगेटिव, तो दिस इज माइनस ए की पावर एन आ जाएगा, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्योंकि एन जो आपके पास, एन इज एन ओड नंबर,
यहाँ पे ओड इंटीजर दे रखा है, तो माइनस वन की पावर n यानी माइनस वन की पावर कोई भी ओड नंबर लेते हैं तो वो हमारे पास माइनस वन आता है। तो एक a की पावर n का ट्रांसपोज लिया, माइनस ऑफ a की पावर n आ गया, दैट मीन्स a रेज टू पावर n इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फिर कहता है कि व्हाइल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर आर सिमेट्रिक। अगर हम यहाँ पे n को ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर पॉजिटिव इवन इंटीग्रल n को, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से आपको प्रूव करना है a की पावर n इज सिमेट्रिक कब होगा, जब n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए a की पावर n का ट्रांसपोज लेके चलते हैं, a डैश की पावर n लिख सकते हैं। a डैश की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि a तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक ही गिवन है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस a, तो माइनस a की पावर n दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n इंटू a की पावर n। अब n क्या गिवन है इस कंडीशन में, n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, और माइनस वन की पावर कोई भी इवन नंबर लेंगे तो क्या आएगा, प्लस वन, तो ये आ जाएगा a की पावर n बच जाएगा, ये हमारा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन की पावर कोई भी इवन नंबर लेंगे तो वो हमारा वन आ जाएगा। तो a रेज टू पावर n हम का ट्रांसपोज लिया, a रेज टू पावर n आ गया, इम्प्लाइज दैट a की पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इलेवन, मैट्रिक्स गिवन है, इसको आपको हर्मिशियन प्रूव करना है। मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होती है, जब a थीटा इक्वल टू a हो जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। नाउ a थीटा किसके इक्वल होता है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज का कंजुगेट लेते हैं। ओके, इसको हमने ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया, ए मैट्रिक्स लेके चलते हैं, तो हमें सबसे पहले ए थीटा निकालना पड़ेगा। ए थीटा के लिए सबसे पहले आप करो ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जीरो वन प्लस आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा, फर्स्ट वॉइज अ फर्स्ट कॉलम, माइनस वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा एंड टू माइनस थ्री आयोटा, आयोटा और ज़ीरो, ये आ गया। इसका लो ट्रांसपोज, सॉरी कंजुगेट, कंजुगेट लेते हैं, जीरो का कंजुगेट इज ज़ीरो, वन माइनस आयोटा कंजुगेट वन प्लस आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा, आयोटा के साइन चेंज रहते हैं जब भी हम कंजुगेट अप्लाई करते हैं, वन माइनस आयोटा वन, रियल क्वांटिटी एज इट इज आती है, टू माइनस थ्री आयोटा, आयोटा एंड जीरो, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए थीटा की, ए थीटा। अब देखिए क्या ये ए थीटा की वैल्यू वापस ए मैट्रिक्स आ गई आपके पास, दिस इज, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया मैट्रिक्स ए के। तो ए थीटा इक्वल टू मैट्रिक्स ए इम्प्लाइज दैट ए इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। ट्वेल्थ क्वेश्चन, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए ए थीटा एंड ए थीटा ए आर बोथ हार्मिशियन। हमें ए इंटू ए थीटा को हार्मिशियन प्रूव करना है, हार्मिशियन ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट मैट्रिक्स का थीटा अप्लाई कर देते हैं। थीटा अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले ए थीटा टू थीटा, इस पे थीटा अप्लाई होगा, नाउ डन इनटू ए थीटा। ठीक है, देन ए थीटा टू थीटा क्या होते हैं, आपके पास यहाँ पे रिजल्ट भी लिख दोगे, ए इंटू बी थीटा अप्लाई करते हैं तो बी थीटा इंटू ए थीटा आता है, और ए थीटा टू थीटा वापस ए आ जाएगा इंटू ए रेज टू पावर थीटा, यहाँ से रिजल्ट अप्लाई करोगे दिस इज वापस मैट्रिक्स ए आ जाती है। तो इसका हमने थीटा अप्लाई किया, वही मैट्रिक्स आ जाती है, इम्प्लाइज दैट ए ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम टू सेम इस पर अप्लाई करोगे, ए थीटा इंटू ए का थीटा ओपन करोगे, वही वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको ओपन करोगे ए थीटा इंटू ए थीटा का थीटा, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा आगे। क्वेश्चन 13, फर्स्ट पार्ट, इफ ए बी आर हार्मिशियन देन ए प्लस बी ऑल्सो हार्मिशियन। अगर ए और बी हार्मिशियन देन ए थीटा इक्वल टू ए होगा एंड बी थीटा इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा। प्रूव करना है आपको ए प्लस बी भी हार्मिशियन होना चाहिए, तो हम इसका थीटा अप्लाई करेंगे, ओपन कर देंगे ए थीटा प्लस बी थीटा, प्रॉपर्टी ओपन करेंगे यहाँ से, देन ए थीटा की वैल्यू दे रखी है ए यहाँ से, क्योंकि ये हार्मिशियन है, और बी थीटा की बी, तो ए प्लस बी पे थीटा अप्लाई किया वही मैट्रिक्स आ जाती है, दैट मीन्स ए प्लस बी इज ऑल्सो हार्मिशियन मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट इज ए बी स्क्यू हार्मिशियन दे रखा है, ए थीटा माइनस ए के इक्वल आ जाएगा बिकॉज ए बी इज अ आर द स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, एंड बी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा,
माइनस बी के इक्वल। तो हमें ए प्लस बी को स्क्यू हार्मेशन प्रूव करना है, तो ए प्लस बी पे थीटा अप्लाई करते हैं, सेम टू सेम ओपन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे ए थीटा माइनस ए के इक्वल होगा क्योंकि ये स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है, माइनस कॉमन निकालेंगे, दिस इज ए प्लस बी, ए प्लस बी पे थीटा अप्लाई किया, माइनस ऑफ ए प्लस बी आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन। ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं, इसको आपको हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन के सम में लिखना है, जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को लिखा था, सेम टू सेम एग्जांपल जैसे हमने किए थे, ए मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे, 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा। एग्जाम्पल्स में हमने प्रूव किया था कि ए प्लस ए थीटा हमारे पास हार्मेशन मैट्रिक्स होती है एंड ए माइनस ए थीटा कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स होती है। देन ए को हमने यहाँ पे पी मान लेते हैं, दिस इज क्यू, तो ए को लिख दिया था हमने पी प्लस क्यू के फॉर्म में, वेयर पी इज अ हार्मेशन मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। तो ए आपके पास गिवन है, यहाँ से सिर्फ हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 ए प्लस ए थीटा, सेम टू सेम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो कि 1/2 ए माइनस ए थीटा। अब आपको ए थीटा चाहिए, ए मैट्रिक्स गिवन, यहाँ से आप ए थीटा इजीली निकाल सकते हो। ए थीटा कैसे निकालते हैं, कंजुगेट का ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज का कंजुगेट, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ट्रांसपोज कीजिए फिर से कंजुगेट कीजिए, ए थीटा निकल जाएगा, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है मैट्रिक्स से एंड ए थीटा, टू से डिवाइड कर देना, पी की वैल्यू आ जाएगी, सेम टू सेम आप क्यू की निकाल सकते हो, जब लास्ट में जब रखोगे तो ए इक्वल टू पी की वैल्यू, जो भी मैट्रिक्स आएगी पी की वैल्यू, ये हमारी पी हो जाएगी ये वैल्यू, प्लस मैट्रिक्स क्यू, जो क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको आपको ऐड नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि हमें दिखाना है सम ऑफ हार्मेशन स्क्यू हार्मेशन, दिस मैट्रिक्स इज अ हार्मेशन और दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू हार्मेशन। तो ए को हमने लिखा सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन। लास्ट क्वेश्चन 15, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म ऑफ पी प्लस आयोटा, क्योंकि फॉर्म इसको एक्सप्रेस करना है, वेयर पी और क्यू रियल मैट्रिसेस हैं एंड पी सिमेट्रिक होगी और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो ए मैट्रिक्स को अगर आप पी प्लस क्यू के फॉर्म में, पी प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में निकालते हो, तो हमने कैसे निकाला था, यहाँ से पी हमारे पास सिमेट्रिक होने चाहिए, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक होने चाहिए, तो ए मैट्रिक्स को हमने लिखा था 2 × a 1/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 1/2 ए प्लस ए मीन्स 2a, 2a को इस तरह से लिख लिया, प्लस माइनस कर दे, प्लस कर देंगे a डैश और माइनस कर लेंगे a डैश, ठीक है, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। हमें ये पता है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है, बट हमें चाहिए p प्लस आयोटा क्यू, ये तो p हो गया, ये q हो गया, बट हमारे पास आयोटा नहीं आया, तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो p की, अगर मैं इसको p रख लेती हूँ, इसको q रख लेती हूँ और आयोटा मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर्म में, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 1/2 a प्लस a डैश एंड q की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आयोटा a माइनस ए डैश, इस तरह से हमने इसकी फॉर्म निकाली थी, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, देखिए आपके पास a मैट्रिक्स गिवन है, a इक्वल टू 2 3 + 2 आयोटा 5 आयोटा 3 - 2 आयोटा, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 + 0 आयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को लिख दिया 4 + 0 आयोटा 4 + 7 आयोटा, लास्ट रो इज अ -5 आयोटा, यहाँ पे मैं 0 माइनस लिख लेती हूँ, रियल पार्ट इज अ 0, 4 - 7 आयोटा और दिस इज इक्वल टू 11 + 0 आयोटा, ठीक है। इसको ब्रेक कर लेंगे कैसे, स्टार्टिंग वाले नंबर्स 2 3, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसका रियल पार्ट इज 0, 2 3 0, क्योंकि एडिशन कैसे करते हैं हम, 3 4, इसका रियल पार्ट इज 4, दिस इज 0 4 11, प्लस सेकेंड वाला जो आपके पास एलिमेंट होगा 0 आयोटा, यहाँ से दिस इज 0 आयोटा, 0 ही बनेगा यहाँ से, चलो एक बार लिख लीजिए, 2 आयोटा 5 आयोटा, दिस इज -2 आयोटा, ये आ जाएगा 0 आयोटा 7 आयोटा, यहाँ से -5 आयोटा एंड -7 आयोटा,
एंड जीरो आयोटा, ठीक है। ये एज इट इज, इस कंप्लीट में से आयोटा कॉमन निकाल लीजिए। देखो हर एक रो एलिमेंट में से आयोटा कॉमन आएगा। मैट्रिक्स में जैसे ही एलिमेंट कॉमन निकालते हैं वो हर एक एलिमेंट के पास से कॉमन आता है, तो इसको हम निकाल लेंगे कॉमन आयोटा, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई हमारे पास P प्लस ये आयोटा हो गया, और ये मैट्रिक्स हो गई Q, हो गया हमारे पास P मैट्रिक्स। देखिए P मैट्रिक्स ये वाली इज अ रियल मैट्रिक्स बिकॉज इसमें कोई भी आयोटा की टर्म नहीं है, एंड Q मैट्रिक्स इज आयोटा को छोड़ के बाकी जो मैट्रिक्स बचे हमारे पास इज अ Q मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो रियल मैट्रिक्स। अब P को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, P डैश इक्वल टू P प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे P डैश निकालिए, P की वैल्यू है 2 3 0 3 4 4 0 4 11। इसका इसको प्रूव करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करोगे तो 2 3 0 3 4 4 0 4 11। क्या वापस P मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, दिस मैट्रिक्स, तो ये इक्वल टू आ जाएगा P, देन दिस P मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक। सेम टू सेम आप Q डैश निकालेंगे, Q मैट्रिक्स है 0 2 5 -2 0 7 -5 -7। देखने से पता चल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट आर 0 एंड दीज आर द एंटी, आपके पास ए प्लस ए माइनस इक्वल है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही आ जाएगा आपके पास 0 -2 -5, दिस इज 2 0 7 5 7 0। माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकालते हैं आपके पास सही मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमारे पास क्यू मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने एक और लिख दिया इस फॉर्म में जहाँ पे पी आपके पास ये, क्यू आपके पास ये मैट्रिक्स है। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर मैट्राइसिस इज कम्प्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तब तक के लिए ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।